अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी।